गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं कर रही हूँ बाहर से स्टार्ट। आप भी थोड़ा सोच रहे होंगे कि आज का व्लॉग जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी सरप्राइजिंग होने वाला है, बिकॉज आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने वाली हूँ शंकराचार्य मंदिर से। अब मुझे ये नहीं पता कि मंदिर के अंदर फ़ोन अलो है नहीं है, बट मैं तो ले आई हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो है शंकराचार्य का रास्ता है। अब हम जा रहे हैं शंकराचार्य मंदिर। रास्ते में जो भी अच्छे अच्छे व्यूज़ आएंगे तो मैं आप सभी को दिखाऊँगी। आज का फ़िलहाल का मेरा ड्रेसअप जो है ये है कुर्ता विद नीचे वाइट जीन्स, आप देख सकते हैं। तो गाइज अभी हम जो हैं शंकराचार्य मंदिर की जो सीढ़ी हैं वो हम चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से जो है वो स्टार्ट हैं। तो चलते हैं, आज का व्लॉग इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो चलते हैं, करते हैं एंजॉय, होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा। और गाइज मैं आपको बता दूँ, इधर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से जो है हम लेट हो गए। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इधर जो है सनराइज़ और सनसेट बहुत अच्छा होता है वो दिखाऊंगी, बट बारिश की वजह से वो जो है वो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। तो गाइज अभी हम जो है वो चढ़ाई चढ़ रहे हैं, पीछे जो है पूरी फैमिली आ रही है, चलते हैं आगे। जय बोले की बम बम बोले, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो है सभी आ रहे हैं। तो गाइज अभी हम जो हैं वो शंकराचार्य मंदिर पहुंच चुके हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो गाइज चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो अगर मंदिर के अंदर फ़ोन लो होगा तो मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं होगा तो फिर इधर तक का जो व्यू है वो आप उसका मज़ा ले सकते हैं। तो गाइज चलते हैं अब अंदर। अभी हम घंटी बजा के जो है मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब हम इधर साइड पे अपनी चप्पल वगैरह जो है वो उतारेंगे। अब देख सकते हैं ये मंदिर है पीछे शंकराचार्य। अब हम उतारेंगे इधर शूज़, तो शूज़ उतार के चलते हैं फिर अंदर, आपको पूरा जो है व्यू दिखाते हैं इधर से। फिलहाल तो आज बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। सिर्फ धुंध ही धुंध पड़ी है चारों साइड, आप देख सकते हैं। और इतना मज़ा आ रहा है, लिटरली इतना ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती। इतना अच्छा मौसम, ऐसे सुहावना सा, इधर से जो है पूरी डल लेक दिखती है, बट आज धुंध होने की वजह से जो है नहीं दिख रही है। आप देख सकते हो सीढ़ियाँ चढ़ के आपको जैसे आपके मंदिर की लुक जो है वो दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, और ये देखो यहाँ से जो है पूरे डल लेक का व्यू दिखता है, बट धुंध होने के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा है, देख सकते हो। गाइस अभी मैं जो जा रही हूँ अंदर के अंदर, आप देख सकते हैं मंदिर के जो बाहर का व्यू है कितना ही सुंदर है। तो ये देखो गाइस, अब मैं जा रही हूँ मंदिर के अंदर, आप देख सकते हो। मैं आपको जो हूँ पूरे दर्शन करवाऊंगी अंदर के शंकराचार्य मंदिर के। तो आप देख सकते हैं ये अंदर से बहुत ही ज्यादा सुंदर है। दर्शन करवा दिए और खुद भी दर्शन करके आ गई है, देखो टीका लगा हुआ है। तो मैं आपको जो है इधर से जो है पूरा कश्मीर दिखता है उसकी लुक दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है। इतना प्यारा लग रहा है इधर से पूरा कश्मीर, आप खुद देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कश्मीर जो है वो कितना बड़ा है। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक साइड दिखाया, अभी दूसरी साइड जो है वो उस साइड है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ये इतना प्यारा है, इतना ब्यूटीफुल है, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी जो है बारिश थोड़ी कम हो चुकी है और बादल जो है वो हट रहे हैं धीरे धीरे। अब पता नहीं धूप कब तक आएगी, लेकिन आप तब तक जो है व्यू का मज़ा लीजिए। देखो कितना ही प्यारा व्यू है, उधर से जो है पूरी डल लेक दिख रही है, आप देख सकते हो कितना सुंदर है। मंदिर जो है कितना ब्यूटीफुल है और इधर से जो है सारा कुछ दिखता है। अगर सोचो अगर हमने इधर से सनराइज़ देखा होता तो कितना मज़ा आना था, सनराइज़ चाहे सनसेट, बट बारिश की वजह से जो है थोड़ा काम ख़राब हो गया।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जो हैं दर्शन करके वापस आ चुके हैं। हम जा रहे थे अपने होटल की ओर, लेकिन क्या हुआ, इधर जो है कुछ अच्छे पर्सन्स ने जो है भंडारा लगाया हुआ शिव जी भगवान के नाम का। तो हम अभी कर रहे हैं भंडारा। भंडारे में हम पी रहे हैं चाय, रस है, रोटी वगैरह रखी हुई है भंडारे की, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब हमने भंडारे की रोटी जो है वो प्रसाद जो है वो हमने चख ली है। अब हम खा रहे हैं चाय रस, ये देख सकते हो दीदी और भाई जो है वो दोनों लगे हुए हैं चाय रस खाने को भंडारे का। बहुत ही मज़ा आ रहा है। 2000 years later तो हम जो है अब अपने होटल से निकल चुके हैं। हमने जो है चेकआउट कर लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब हम होटल से चेकआउट करके जो है वो निकल चुके हैं। गाड़ी में हमने अपना सामान वगैरह सब डाल दिया। तो अब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, आपको बता दूं। ओह यार ये कितनी ऑसम है यार। बता दूं? अभी नहीं बताना इनको। अभी नहीं? अभी नहीं, नहीं बता देती हूँ। बता देती हूँ। ये ऐसे थोड़ा एक्साइटेड हो रहे होंगे कि क्या सरप्राइज है। चलो ठीक है, इनको अपना सरप्राइज बता दो। तो सरप्राइज ये है कि अभी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पूछो तो सही। शिकारा राइडिंग। हाँ अभी हम जा रहे हैं शिकारा राइड पे। तो चलो गाइस आगे चलते हैं, मैं आपको मिलती हूँ सीधे शिकारा में। आप देख रहे होंगे मैं जो अभी शिकारा राइड ले रही हूँ, आप देख सकते हैं हम कितना मजा कर रहे हैं पानी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आप देख सकते हैं हाउस बोट भी इधर से जो है कितनी पास दिख रही है। शिकारा राइड जो है वो बिल्कुल हमारे बजट के अकॉर्डिंग हुआ है और हमें इतना मजा आ रहा है। आप देख सकते हैं जो है वो आगे बैठे हुए हैं सामने, और मेरा भाई बैठे हुए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी हमें लगी थी थोड़ी सी भूख, तो अभी हम जो है इधर रुके हुए पानी के बीचों बीच कुछ खाने के लिए। तो अभी मम्मा ज़्यादा डर रहे हैं क्योंकि शिकारा जो है वो एक साइड हो गया, मम्मा की साइड ज़्यादा हो गया, मम्मा जो है इस साइड ज़्यादा डर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम क्या ऑर्डर करेंगे। व्यू तो एकदम ऑसम है ना, एकदम ऑसम। जब तक आप खुद नहीं आओगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी प्लीज़ कश्मीर ज़रूर है। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारे जो पीछे आपको जितना भी दिख रहा है ये वाटर लिली, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बीच में जो है लिली फ्लावर्स जो हैं वो खिले भी है। दिन में जो है ये खिल जाते हैं और रात में जो है ये मुरझा जाते हैं। तो इधर से तो देखने में अभी इतने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जो है हमारे पीछे जो है ठीक बिल्कुल ये है डल के बीच की जो मार्केट है। अब हम उस साइड जा रहे हैं तो आपको जो है वो मार्केट भी दिखाते हैं। वो देख सकते हो आप, ये जो है ये डल के बीच की मार्केट है। पीछे जो है वो कमल के फूल खिले हुए हैं बीच में, और कमल की जो रूट्स होती हैं उसकी जो है स्टेम जो होती हैं तो उसकी जो है बहुत टेस्टी सब्जी बनती है जिसको हम नद्दड़ू भी बोलते हैं। बहुत नद्दड़ू की यखनी, वो बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। आप देख सकते हैं ये जो आपको मेरे पीछे जितना भी दिख रहा होगा ये सारे जो हैं कमल के फूल हैं। वो देखिए उधर जो हैं कमल के फूल जो हैं खिले हुए हैं। तो गाइस हम तो अभी शिकारा राइड करके आ चुके हैं, हमने तो खूब इंजॉय किया। तो आप देख सकते हैं अब हम जो हैं बाहर आ चुके हैं शिकारा राइड करके सारे ही। तो हमें बहुत मज़ा आया शिकारा राइड करने का। हमने जो है 4 points घूमे। तो जब भी आप कश्मीर आएँ आप भी ज़रूर शिकारा राइड जो है वो ले। गाइस अभी जो हैं हम जो आए आए हुए हैं मक्का बाज़ार आए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। तो देखते हैं शॉपिंग में हम क्या क्या कर लेते हैं। चलो आपको भी सैर करवाते हैं मक्का बाज़ार की। गाइस आप देख सकते हैं ये है पूरा मक्का बाज़ार, हम जो है घूम रहे हैं। ये बाज़ार जो है ऐसे ही लगता है। तो इधर से जो है हमारी शॉपिंग कंटिन्यू है। अभी तो हमने जो है स्वेट शर्ट्स ली हैं, तो वो मैंने खरीदी है, मैंने खरीदी 4, सिर्फ 4 ही खरीदी हैं। अभी और भी सामान लेना है। आपको पता है गर्ल्स की शॉपिंग जो होती है वो ज़्यादा ही होती है। क्या बोला तूने? यू नो वेरी वेल। तो गाइस हमारी शॉपिंग तो हो चुकी है, अब हमें लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख। अभी हम आए हैं एक रेस्टोरेंट में, कुछ खा रहे हैं। पहले तो हमने खाया स्प्रिंग रोल, अब हम खा रहे हैं पिज्ज़ा, आप देख सकते हैं। तो अब हमारा जो है प्लान चेंज हो गया। पहले हम जा रहे थे, वो नहीं अभी मैं बताऊंगी कि कहाँ जा रहे थे। अब हम वापस जो है फिर से हम जा रहे हैं श्रीनगर। उधर हमने जो है फिर से अपने होटल जो है बुक करवा दिए हैं। तो अब हम वापस उसी होटल में रहेंगे। तो जैसे ही अभी इधर से फ्री होकर निकलते हैं तो मैं आपको बताती हूँ जो है मैं आपको अपने रूम का लुक दिखाती हूँ। होटल जो है वही है पुराना, बट अभी रूम जो है वो चेंज हो चुका है। आप लुक देख सकते हैं मेरे रूम की।
बहुत ही प्यार है। तो अब हम जो है डिनर कर रहे हैं, हमारा डिनर जो है वो आ चुका है। देखो हमने क्या क्या मंगाया डिनर में। दीदी जो है वो डोसा खा रही है, मेरा पालक पनीर फेवरेट है, मैं पालक पनीर खा रही हूँ। और उधर मम्मा जो है, मम्मा का राजमा फेवरेट है, तो मम्मा जो है वो राजमा खा रहे हैं। तो गाइस अब मैं करती हूँ डिनर, डिनर करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। आज की वीडियो जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, अब भी मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं पे एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।